ये चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा है जिस पर माल्यार्पण किया गया है और इन चौधरी साहब के याद में ही इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हर साल किया जाता है और इस साल भी सफलतापूर्वक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार यादव है और मैं अपना एक YouTube चैनल चालू कर रहा हूँ जो कि पूरा खेलों के से ही संबंधित है, या आप कह सकते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स को ही डेडिकेटेड है। उस पर मैं आपको दिल्ली NCR में होने वाली खेलों की विभिन्न खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज जो मैं सबसे पहला जो मैं अपना टूर्नामेंट कवर करने जा रहा हूँ वो है गाजियाबाद के गोविंदपुरम एरिया में RKपुरम में चौधरी चरण सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं वहां के लिए निकल रहा हूं और जब भी मैं अकेला होता हूं तो अधिकतर मैं कोशिश करता हूं कि मेट्रो से ही जाऊं। फाइनल मैच शुरू होगा और परिचय प्राप्त किया जा रहा है टीमों का। ये चौधरी क्लब बनत की टीम है, ये चौधरी क्लब बनत की टीम है और ये ऑफिशियल है सरविंदर चौधरी और ये दूसरी टीम से मुजफ्फरनगर से आई है ये टीम भी। इससे परिचय प्राप्त कर रहे हैं आयोजन कमेटी के सभी सदस्य और दोनों टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा खेल दिखाएं, खेल भावना का परिचय दें और आप दोनों टीमों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। समिति के सभी सदस्य, सबसे पहले योगराज भाई हैं, फिर तनुज भाई हैं, फिर अमित भाई हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। अच्छा, हरिंदर मलिक जी हैं और ओमपाल राणा जी हैं। तो सबसे पहले योगराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कब से आप टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट को आप लोग कब से करा रहे हैं? ये पहली टूर्नामेंट हमारी 2012 में हुई थी। 2012 से? उसके बाद लगातार टूर्नामेंट यहाँ होते आ रही है। 2012 से लगातार हो रहा है तो ये नौवां टूर्नामेंट है, है ना जी? हाँ, बीच में कोरोना की वजह से वो तो पूरा जगत ही डिस्टर्ब रहा, दुनिया ही डिस्टर्ब रही, तो उसमें टूर्नामेंट करवाना संभव भी नहीं था। तो अनुज भाई, कितनी टीम यहाँ पर आई हुई है? लगभग 44 टीमों ने भाग लिया। अच्छा जी, और ये हमारे क्वार्टर फाइनल चालू हो रहे हैं। जी जी जी, इसमें प्रदेश के तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी टीमों के द्वारा हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। इसमें गाजियाबाद की लगभग 5 टीम, दिल्ली NCR की लगभग 10 टीम। अच्छा जी, मुजफ्फरनगर, मेरठ और विभिन्न क्लब जो राष्ट्रीय स्तर के क्लब है वे भाग ले रहे हैं इसमें। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। सभी कॉलोनी वासियों का, RKपुरम वॉलीबॉल क्लब का और कॉलोनी वासियों का जी, और यूनिटी खेलफेयर संस्था जो हमारी एक संस्था है जी, जी, उनके सौजन्य से और मिलके सब ये टूर्नामेंट हम लोग कराते हैं। बहुत अच्छा जी। अभी मैं कहना चाहूँगा जी, ईरान में टीम गई थी अपनी अंडर 19। जी जी जी, सदस्य था तनिष लड़का। जी 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 जी, आप पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, आपके टूर्नामेंट में खेलने के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात। तो अमित चौधरी जी, ये कितनी टीमें यहाँ पर बाहर से आई हुई हैं? लगभग 30 टीमें जो है उनका स्टे कराया हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने उनके यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था की हुई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ओमपाल जी, इनामी राशि के बारे में बताएं थोड़ा सा। हमारी जो इनाम राशि है, फर्स्ट को है 21,000 रुपए और सेकंड को है 15,000 रुपए। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। हम अवार्ड देंगे। अच्छा जी, अच्छा। बाकी शील्ड है और सभी को मूवमेंट तो है। अच्छा जी, रहने खाने की सब व्यवस्था। मलिक साहब, थोड़ा सा आप बताएं कि ऑफिशियल्स वगैरह का, उसके बारे में जानना चाहूंगा, कहां से आपने अरेंज किया और क्या व्यवस्था आप सब लोगों ने यहाँ पर की है जी? जैसे अमित भाई ने बताया, हमारे पास एक संस्था है अपनी जी, इस संस्था ने और कॉलोनी वालों ने सबसे मिल के जी जी, इसने भी जो सहयोग दिया सबका स्वीकार करके हमने व्यवस्था करके ये प्रतियोगिता की। अच्छा जी, अच्छा। तो आपका ये बहुत अच्छा प्रयास है, मैं कहूँगा खेल के प्रमोशन के लिए, बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने इतना सुंदर और बहुत अच्छा आयोजन कराया है, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और टूर्नामेंट के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। इस किसान क्लब बनत की अच्छी बॉल बनाई है लेकिन
फाउल दिया रेफरी ने और पॉइंट मिला है मुजफ्फरनगर टीम के लिए। बहुत अच्छा शॉट मारा किसान क्लब बनत ने और अब ये सेट पॉइंट है किसान क्लब बनत के लिए। बहुत अच्छा ब्लॉक किया किसान क्लब बनत ने और अपनी टीम के लिए एक पॉइंट लिया और इसी के साथ पहले सेट को भी किसान क्लब बनत ने अपने नाम किया है। स्कोर हुआ है 16-18। मुजफ्फरनगर टीम ने एक और पॉइंट लिया अपने लिए और अब स्कोर हो गया है 16-18। आउट सर्विस और स्कोर बढ़कर हुआ 19-16। किसान क्लब बनत का एक और स्कोर पॉइंट मिला तो स्कोर बढ़कर हुआ है 19-16। अच्छी सर्विस किसान क्लब बनत की और ड्रॉप डाला था मुजफ्फरनगर टीम ने, बॉल मारा था किसान क्लब बनत ने लेकिन इतना ही अच्छा ब्लॉक लिया था और एक पॉइंट लिया है टीम मुजफ्फरनगर ने अपने लिए। हाँ बनत और ये जो है मुजफ्फरनगर है और अच्छा ड्रॉप लिया गया बनत की तरफ से लेकिन ब्लॉक हो गया और पॉइंट मिला किसान क्लब बनत को। सर्विस किसान क्लब बनत की। अच्छा शॉट मारा था किसान क्लब बनत के खिलाड़ी ने, चेक किया लेकिन बॉल आउट हुआ और एक और पॉइंट मिला किसान क्लब बनत को। और एक पॉइंट लिया है टीम मुजफ्फरनगर ने। और ये सर्विस आउट मार दी मुजफ्फरनगर टीम के खिलाड़ी ने। स्कोर हो गया है 20-17। 20-17 स्कोर है बनत किसान क्लब के 20 और एक पॉइंट एरर सर्विस एरर किया है किसान क्लब बनत ने और पॉइंट मिला है मुजफ्फरनगर टीम को। इसी के साथ स्कोर हुआ है 18-20। और चेक कराया बॉल को, हाथ पे मारा आउट हुआ बॉल और इसी के साथ एक और पॉइंट मिला किसान क्लब बनत को और स्कोर हुआ है। अच्छी सर्विस करी और अच्छी बॉल मारी लेकिन उतने अच्छा ब्लॉक किया और किसान क्लब बनत के खिलाड़ी ने बहुत अच्छी बॉल मारी। स्कोर हुआ है 22-18। अब किसान क्लब बनत जीत से सिर्फ 3 पॉइंट दूर है। Oh, yeah.
और अच्छा ब्लॉक किया किसान क्लब बनत ने, लेकिन आउट बॉल हो गया और एक पॉइंट मिला मुजफ्फरनगर टीम को। स्कोर हुआ 19-22। अच्छा रिसीव लिया लेकिन पट्टी हो गई और पॉइंट मिला मुजफ्फरनगर टीम को। स्कोर हुआ 20-22। फाउल दिया रेफरी ने डबल टच का और एक और पॉइंट मिला है टीम मुजफ्फरनगर को। स्कोर हुआ 21-22 और किसान क्लब बनत ने दिया है टाइम आउट। अच्छा शॉट था लेकिन ब्लॉक किया किसान क्लब बनत के खिलाड़ी ने और एक और पॉइंट लिया किसान क्लब बनत ने। और सर्विस फिर किसान क्लब बनत की। और एक और पॉइंट लिया है किसान क्लब बनत ने। बॉल सेटर के पास नहीं पहुंचा था और टाइम आउट लिया है टीम मुजफ्फरनगर ने। सही बात, सही बात, खत्म है तो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल। मेरे हाथ में 11-7 का स्कोर। डिसिप्लिन दे रहा है बस, वो भी मैंने रखवा रखा था जब स्टेट में इसको, मगर ये बस यार काम पूरे नहीं हो रहा। ग्राउंडिंग इस पर आएगा, कुछ नहीं हो रहा, बस कुछ नहीं हो रहा। बहुत अच्छा ड्रॉप लेकिन आउट गया और नहीं इन बॉल है और पॉइंट मिला टीम मुजफ्फरनगर को। चौधरी चरण सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल चलता हुआ किसान क्लब बनत और मुजफ्फरनगर के बीच। दूसरा सेट है और किसान क्लब बनत की 3 पॉइंट की लीड है। स्कोर है 20-17। और इसी के साथ फाउल किया है मुजफ्फरनगर के खिलाड़ी ने और एक और पॉइंट मिला है किसान क्लब बनत को। स्कोर हुआ है 21-17। किसान क्लब बनत 21 और मुजफ्फरनगर 17। अच्छी सर्विस बनत के खिलाड़ी द्वारा, ब्लॉक करना चाह रहे थे लेकिन हाथों में बॉल मारकर बॉल को डाउन किया और रेफरी सरविन चौधरी ने इशारा दिया कि पॉइंट जो है मुजफ्फरनगर टीम को मिला है। अच्छी सर्विस मुजफ्फरनगर टीम की और बॉल क्रॉस किया है और बहुत अच्छा बॉल मारा था किसान क्लब बनत के खिलाड़ी ने, लेकिन उतना ही अच्छा डबल ब्लॉक किया मुजफ्फरनगर टीम के खिलाड़ियों ने और अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट लिया है मुजफ्फरनगर टीम के खिलाड़ियों ने। सर्विस मुजफ्फरनगर टीम की। स्कोर है 19-21 और चेकआउट कराकर एक और पॉइंट लिया है अपनी टीम के लिए किसान क्लब बनत के खिलाड़ी ने। स्कोर हो गया है 22-19। अब जिससे सिर्फ 3 पॉइंट दूर है किसान क्लब बनत की टीम। गांधीनगर की प्रतिद्वंद्वी टीम को सिर्फ एक अंक की आवश्यकता है। इस सेट का मैच पॉइंट है गाजियाबाद की सर्विस है, मुजफ्फरनगर ने रिसीव किया। ब्लॉक कमजोर की वजह से समस्या आ गई, फिर बढ़िया चांस मिला है, पास टूटा था से बाहर। अभी हिम्मत नहीं चल रही है गांधीनगर में और एक और पॉइंट मिला। गांधीनगर की आंधी अभी आई नहीं है मुजफ्फरनगर, अभी हल्की फुल्की हवा चल रही है। वैसे 17-20 इसी के साथ गाजियाबाद अपने नाम कर लिया। आर के प्रम गाजियाबाद ने पहला सेट जीत लिया है। कोच नितिन भाटी फोन पे बिजी हैं। आर के प्रम ये लाइट ऑन कर दें, स्टेडियम की लाइट ऑन कर दें। गुड शॉट, बहुत अच्छा शॉट मारा है मुजफ्फरनगर के खिलाड़ी ने। सर्विस किसान क्लब बनत की।
अच्छी सर्विस और पास टूटा और बहुत अच्छी बॉल मारी, बिगड़ी हुई बॉल पर भी बहुत अच्छा शॉट मारा और उतना ही अच्छा डिफेंस किया था, अच्छा पास दिया था और किसान क्लब बनत के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा शॉट मारा और अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट लिया है। और बहुत अच्छा शॉट मारा इस बार मुजफ्फरनगर टीम के खिलाड़ी ने और ये हाँ अच्छा स्मैश किया था, चेक बॉल चेक किया था डबल ब्लॉक में और एक और पॉइंट मिला मुजफ्फरनगर टीम को। अच्छा मैच चल रहा है, पहला सेमीफाइनल है, चौधरी चरण सिंह मेमोरियल बॉल, ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बॉल उठाया है, बहुत ही बढ़िया बॉल उठाया है और बहुत ही अच्छा बॉल को उठाया, उतना ही अच्छा बॉल बनाया और उतना ही अच्छा ड्रॉप किया और अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट लिया किसान क्लब बनत के खिलाड़ियों ने। और ये अब किसान क्लब की तरफ बॉल गिरा है कि कोर्ट में बॉल गिरा है बल्कि, और मुजफ्फरनगर की टीम को पॉइंट मिला है और अब किसान क्लब बनत को मैच जीतने ये सेट जीतने के लिए सिर्फ एक पॉइंट और चाहिए। बहुत अच्छी बॉल बनाई और बहुत अच्छा शॉट मारा, बॉल को फिर बनाया और बॉल को चेक करा के उड़ा दिया और इसी के साथ किसान क्लब बनत ने ये मैच जीत लिया है, पहला सेमीफाइनल जीता है, पहला क्वार्टर फाइनल जीता है किसान क्लब बनत ने और पहली टीम बनी है चौधरी चरण सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली।